तो हम आपकी भी इन ट्रेन बजा देते हैं। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. मार्च फॉर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, आज आप देखेंगे जी फॉर खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम। ईद तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन चूंकि अभी तक आप लोग ईद के मूड में हैं, तो हम चाह रहे हैं कि आपके सामने आज एक ऐसी शख्सियत को लेके आएं जो बिल्कुल नई शख्सियत के तौर पे आपके सामने आएंगी। आप इनको देखते रहते हैं, मशहूर व मारूफ तरीन सियासतदान हैं पाकिस्तान में। कोई बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, मर्द, औरत, कोई ऐसा नहीं होगा, नौजवान, जो इनसे वाकिफ नहीं हो। लेकिन आज इनसे हम सियासत से बिल्कुल हट के एक ऐसी नई शख्सियत के तौर पे हम आपको इनके एक ऐसे नए रूप से आशना करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे इनकी शख्सियत के बहुत से पहलू जो कि आपसे बहुत अरसे तक शायद ओझल रहे या आपको शायद कभी पता ही ना चले हों। मेरे साथ हैं जनाब अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा, अवामी रहनुमा, अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम जी, ईद मुबारक। सबसे पहले आप बहुत बहुत शुक्रिया, बिलेटेड ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। आज आपसे सियासत पे बात तो होगी, क्योंकि जाहिर है आप शेख रशीद साहबों सियासत पे बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, कम रहेगी। लेकिन मुझे आज शेख रशीद अहमद को जानना, सियासतदान शेख रशीद अहमद को नहीं, अवामी शेख रशीद अहमद को। सबसे पहले ये बताएं आपकी ईद कैसे गुजरी? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। नॉर्मली कैसी रहती है आपकी? इसी तरह की रहती है, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं होता। इसी तरह हम सुबह वालदा की कब्र पे जाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। आजकल सिक्योरिटी का मसला होता है तो बास का शाम को ही चले जाते हैं या नमाज के बाद किसी वक्त उठ के चले जाते हैं और फिर लाल वेली में बैठ रहते हैं शाम मगरब तक। पहली ईद सिर्फ लोगों के लिए होती है, आपके हल्के के लोगों की, पिंडी के लोगों की, पिंडी के लोग 55 और 56 के लोग। ठीक, नमाज़ पढ़ के आप वापस आए, लोगों से ईद मिली? पर लोग भी खाना शाना ले आते हैं सब। हमारा कल्चर इस किस्म का है, ओल्ड सिटी है ये, तो सब कुछ ना कुछ ले आते हैं। यहाँ खाने शाने का भी इंतजाम होता है, चाय भी, मिठाई भी, हर चीज़ होती है। आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, मतलब फेवरेट डिश क्या है ईद की? क्योंकि मीठी ईद होती है, सो सेवइयां बनती हैं। जब माएँ होती थी तो चीज़ें बनती थी, अब तो बस गुजारा ही होता है, बस खाना पूरी की जाती है। माँ क्या बनाती थी आपके? माँ ऑफकोर्स हमारे सेवियाँ ही बनती थी। हमारी माँ को शीर मार ये इतनी बनाने नहीं आते थे, सादा माँ थी। आप सादा हैं, सादा माँ के सादा बेटे हैं। सादा सिंपल सेवइयाँ बनती थी, दूध वाली सेवइयाँ, बस दूध वाली सेवइयाँ। अभी भी वही खाते हैं? वही बनते। अब तो बहुत कुछ बनता है जी, अब मेरे भतीजे शतीजे जवान हैं, उनकी सारी फैमिली यही हमारे पीछे, मेरी वालदा का जिंदा दिल है आप, और माशाल्लाह खाने खाने के शौकीन हैं आप, इसीलिए माशाल्लाह शेख रशीद अहमद साहब दबंग शख्सियत भी हैं। खाना खाते हुए खुल के बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज लोग आपकी शख्सियत के, मैं चाहती हूँ कि वो पहलू भी जाने जो कभी नहीं उन्होंने देखे या जिन्होंने देखे होंगे पुराने लोगों ने। मेरा ख्याल है कोई शख्सियत, कोई पहलू ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रहते जिस माहौल में है, जो कुछ हमारा है। जब हम नमाज भी पढ़ने जाते हैं तो मोहल्ले में सारे लोग खड़े होते हैं, बैठे होते हैं, अपनी बालकोनियों में होते हैं कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और यू नो, हमारे यहाँ जो रवायत है वो बड़ी, हमारे यहाँ इन दिनों में कोई सियासत नहीं होती, कोई मुखालफत नहीं होती, एक दूसरे के घर हम खाने भेजते हैं, एक दूसरे के घरों से खाने आते हैं। अच्छा, कोई मुखालफत नहीं होती? नॉर्मली नहीं होती। नवाज शरीफ साहब को भी फिर ईद मुबारक बोलेंगे आप? मैं बोल दूंगा, ईद का क्या मसला, बोल दो ईद मुबारक। पुरानी हो गई लेकिन चले, कोई मसला नहीं। ये जबरदस्त, ये आपका बड़ा अच्छा पन है कि आपने उनको भी अपनी जगह, ईद अपनी जगह है, सियासत जहाँ होगी वहाँ सियासत होगी। ईद का दिन है, गले हंस के लगा ले जालिम, रस्म में मौका भी है, रस्म में दुनिया भी है, मौका भी है, बड़ी है, काफी है। चलें, आप गले भी बड़े मिलते रहे नवाज शरीफ साहब से, वो भी हम सबको याद है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप हों और सियासत पे बात नहीं हो, लेकिन जरा आगे चल के बात करेंगे अभी, जरा आपसे हल्की फुल्की गपशप आपकी शख्सियत के हवाले से। ईद आपके बचपन की अच्छी थी, लड़कपन की अच्छी थी, नौजवानी की अच्छी थी, या अब इस उम्र की अच्छी है? अब मज़ा आता है। ऐसा क्या? हर चीज़ अल्लाह ने दी हुई है, पहले 100 किस्म की क्या ईद थी हमारी, ऐसे थोड़ी सी करेंसी मिलती थी वो इधर लाइन में लगते थे रोज सिनेमा हमारे साथ, और जब टिकट खुलने की बारी आती थी कोई धक्का देता था तो पीछे निकल जाते थे लाइन से। नई फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो? नहीं नहीं, इतना नहीं, उस वक्त इतने पैसे होते नहीं थे फिल्म देखने के, उस वक्त जाते थे। एक दो दफ़ा गया हूँ रोज सिनेमे में फिल्म देखने के लिए, जब बच्चा था बिल्कुल, लेकिन जब धक्का पड़ा तो मैं बाहर था और खिड़की में से टिकटें भी थोड़ी सी मिली, बाकी तो ब्लैक हो जाती हैं ईद के दिन। अच्छा,
عید کا کوئی خاص واقعہ آپ کو یاد ہو؟ اب مجھے واقعات سے تو میں صرف نماز کوئی ایسے یاد آپ کی عید کی کوئی خاص یاد؟ ہر ایک کی عید سے کچھ یادیں جڑی ہوتی ہیں. جیسے میری عید اگر آپ پوچھیں گے تو میری عید پہ گھگھو گھوڑے جو کہ بالکل ناپید ہو گئے ہیں, بہت کم ملتے ہیں, تو میری عید کی یاد وہ ہے. آپ کی عید کی یاد کیا ہے؟ میں عید بالکل جس دن جس طرح بچپن میں گزارتا تھا بالکل اسی طرح گزارتا ہوں. پہلے کوئی ایسے حالات نہیں تھے, اب پورا عید کا دن ٹکا کے لوگوں سے ملتا ہوں اور سارے لوگوں کو پتا ہے کہ عید کے بعد اس نے غائب ہو جانا ہے, اب نہیں ملنا ہے اس نے دو تین دن. تو اس کے لیے میں نے کوئی نہ کوئی پروگرام بنایا ہوتا ہے. اگلا دن جو ہے میں اپنی بہنوں کے ساتھ گزارتا ہوں. ٹھیک, دوسرا دن عید کا؟ دوسرا دن وہ صرف میں اپنی جو میری میرڈ سسٹر ہیں, بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, فیملی کے لیے ہوتا ہے مخصوص. وہ دن 3-4 بجے تک واپس آ جاتا ہوں, پھر یا رہ بھی لیتا ہوں ان کے پاس یا ہوٹل میں رہ لیتا ہوں. سو سیکنڈ عید میں اپنی سسٹر کے ساتھ گزارتا ہوں. اور بہنیں آپ کے لیے خاص کھانے کیا تیار کرتی ہیں عید کے؟ جو مجھے زیادہ پسند ہیں, میں فارمی چیز کچھ بھی نہیں کھاتا پہلے دن سے. دیسی کھاتا ہے؟ دیسی کھاتا, کوئی نہ انڈا نہ روٹی نہ گھی نہ گوشت, کوئی چیز فارمی نہیں کھاتا پہلے دن سے. اچھا, سب دیسی. اور کیا کھاتے ہیں مطلب بہنیں آپ کے لیے کیا شوق سے پکواتی ہیں؟ کہ ایک ہمارے شروع سے ماں بھی بچات پکاتی تھی, آپ گوشت ہے, آپ گوشت, ہاں جی, اور چکن ود آنین پیاز کے ساتھ, اور مونگی گوشت. مونگی گوشت میں جیل میں بھی بہت کھاتا تھا اور یہ مجھے پکانا بھی بہت اچھا آتا ہے. آپ پکا بھی لیتے ہیں؟ بہت اچھا کوکو میں. یہ ایک نئی چیز آپ کے بارے میں پتا چلی ہے کہ آپ بڑے اچھے شیف بھی ہیں. بنا کیا کیا لیتا ہوں؟ سیاستدانوں کو تو آپ بڑا بناتے ہیں لیکن کھانے میں کیا بنا لیتے ہیں؟ بس میں یہ ڈش بہت اچھی بناتا ہوں, مونگی گوشت. مونگی یہ بنتا کیسے ہے؟ نارملی ہے, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن کوئی دال مونگ کے ساتھ تو نہیں بنتا؟ دال مونگ کے ساتھ بنتا ہے. اچھا, زبردست. ثابت ٹوٹی ہوئی نہیں, پوری فل مونگ کی دال کے ساتھ. بس کسی دن پھر آپ سے پروگرام رکھیں گے, ایک شیخ رشید ایز دا شیف, عوامی شیف, اس میں پھر آپ کے ہم یہ ہنر آزمائیں گے, آپ کے ہاتھ کے ذائقے. اور عید کے تیسرے دن پھر آپ کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی خاص, کچھ خاص نہیں. تیسرے دن ویسے بھی تقریباً ختم ہو جاتی ہے. میں دوسرے دن ہی ختم کر دیتا ہوں, میں ایسے فضول دنوں کو ضائع نہیں کرتا. میں نے پہلے سیٹ پروگرام بنایا ہوتا ہے, کیونکہ میں نے 27th خانہ کعبہ میں پڑھنی ہوتی ہے روزہ رسول میں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے. سو وہاں سے پھر میں آ جاتا ہوں عید سے 2-3 دن پہلے, لوگوں کے مسائل وسائل یہ وہ, اور بھرپور تیاری سے عید مناتے ہیں ہم لال ویلی کے. زمانہ پرانا اچھا تھا یا آپ کا اچھا؟ آپ کا اچھا. ایسا کیوں؟ لوگ تو پرانے زمانے کو یاد کرتے ہیں. یادیں تھیں, غربت کی کیا یادیں, اس کو بھول جانا ہی بہتری ہے, ورنہ آپ معاشرے میں آگے نہیں جا سکتے. میرا مطلب ہے اب ہمارے پاس کئی جوڑے ہیں ہماری الماریوں میں لٹکے پڑے ہیں, اس وقت عید پہ ہی جوڑا بنتا تھا. شیروانی تو نہیں ہے ان میں؟ نہیں, شیروانیاں بھی پرانی کہیں پڑی ہوں گی, اب تو نہیں آتی ہوں گی اس وقت. نہیں, شیروانی تو کوئی نہیں سلوائی آپ نے. نہیں, فیصلے تو آنے والے ہیں شیروانیوں والے, آپ اس عید کے بعد انشاءاللہ. وہ پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, وہ سال غلط ہو گیا, وہ دراصل 16 یہ والا سال تھا, یہ والا سال. ابھی قربانی سے پہلے قربانی ہو سکتی ہے, یہ نہ ساری قوم پھر میرے پیچھے پڑ جائے, بہت سارے چانس. ہم تو کم از کم پیچھے پڑیں گے آپ کے اگر قربانی نہ ہوئی. شیخ رشید صاحب, میں اس لیے کہا ہو سکتی ہے, پاسٹ آف یس میں چلا گیا. اچھا, تو کون کون شیروانی تیار کر لے پھر بڑی عید کے لیے؟ کون کون سلوائے؟ مجھے نہیں معلوم کہ بڑا سینسٹیو عید کے بعد کے دن ہیں, اور یہ 100-125 دن بڑے ہیں میں نومبر تک. شیخ صاحب, سگار کی عادت کب سے پڑی آپ کو؟ 1985 سے. 85 سے؟ رائٹ. کوئی سیاسی واقعات کا عمل دخل تھا یا وہ سیاست؟ میرے ہر کام کے پیچھے سیاست ہے. ایک ایسا کام بھی ہے جو مجھے پوچھنا ہے آپ سے, اس کام کے پیچھے سیاست ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ پھر آگے چل کے پوچھتی ہوں. سگار کا بتائیے. میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ میں ایک دن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کروں, یہ میرا خواب تھا, اور جب ایسا موقع آیا تو میں نے پھڈا ڈال دیا. صاحبزادہ یعقوب اور فارن آفس کہنے لگا کہ بھئی آپ تو بالکل ینگ, آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں, یہاں کوئی 100 سربراہ مملکت آئے ہوئے ہیں, 80, آپ کیسے, آپ کی انگریزی بڑی کمزور ہے. میں نے کہا یہاں اور کوئی خطاب نہیں کرے گا میرے علاوہ. بہرحال وہ دن انہوں نے اگلے دن کر دیا. اور یہ کب کی بات؟ 1985 کی ہی بات. ٹھیک. انہوں نے مجھے اتنی لمبی تقریر لکھ کے دے دی, بڑی ٹیچر قسم کی, مشکل. میں نے وہیں سے ٹیکسی پکڑی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر, نیو یارک یونیورسٹی میں چلا گیا. مجھے پتا تھا یہاں پاکستانی رہتے ہیں. اچھا, وہاں ایک عثمان تھا بھانجا, میں نے کہا یار یہ تقریر لکھ دی ہے فارن آفس نے اتنے بڑی لمبی,
इसको ठीक कर दे, इजी कर दे. उस वक्त कंप्यूटर नहीं आए थे, वो टाइपिस्ट राइपिस्ट थे. बिल्कुल ठीक. उसने वो 4.5 सफों की 2 सफे सवा 200 कर दिए. अच्छा. मैं जब लेके आया, कुदरत का जब किसी के अच्छा वक्त आता है, अल्लाह सुबहान तआला रास्ते बना देता है. मैंने टैक्सी से निकला ही, उतरा ही, जब मैं दाखिल ही हुआ ना तो मेरा नाम पुकारा जा रहा था, शेख रशीद अहमद. राइट. मैं डाइस पे गया, आगे वो आदमी जाता है, मैंने टिका के तकरीर की. अच्छा. वो बड़े लोग इम्प्रेस हुए, जितने सरबराह ये कजाफी शजाफी से जितने तल्लुकात. क्या क्या बोला आपने अपनी तकरीर में? तकरीर में जाहिर है कश्मीर पे मैंने ज्यादा जोर दिया, जो मेरा काज था मेन. जब मैं नीचे उतरा तो साहबजादा यकूब ने कहा, मियाँ ये तो वो तकरीर नहीं थी जो फॉरन ऑफिस ने लिख कर दी, अल्लाह उनको जन्नत में. मैं कहा तकरीर तो ठीक थी ना, लाइन एंड लाइन ठीक थी ना, मेन ठीक था. कहते ये ठीक था. अच्छा. मैं आया वापस होटल में, मैंने जितने वो 30 दिन का टूर होता है तो 3-4 दिन हुए थे, बाकी पैसे मैंने मुँह पे मारे एम्बेसी वालों के. वहाँ से तस्वीर निकलवाई तो मैं आया तो दफ्तर में, मेरे होटल में साहबजादा यकूब साहब का एक गॉफ इसका सिगार का डब्बा पड़ा था. उसने लिखा था, एक्सीलेंट स्पीच एंड वी मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. तो आपने जश्न मनाया? जश्न क्या मनाया, सिगार पीना शुरू कर दिया. मैंने कहा ये ठीक है. फिर उस तस्वीर को भी मैंने अपने अगले इलेक्शन में इस्तेमाल किया कि मैंने कहा देखो भाबड़ा बाजार से मैं इकवाम मतदा में तुम्हारा नाम लेके गया और लोगों ने कहा कि ये फरजंदे पिंडी है. बाद में मैं फरजंदे पाकिस्तान बना. फिर अगले इलेक्शन मैंने उस तस्वीर पर लड़ा. हमारे मोहल्ले वालों ने कहा यार अपना बच्चा है, देखो ना इकवाम मतदा में पहुंच गया. जबरदस्त है जी. और देखो 70-80-100 बंदा आगे सरबराह मुमलिकत बैठा है और शेख रशीद खिताब. उस दिन से मैंने, क्योंकि अब सिगार और शेख रशीद लाजिम और मलजूम बन गए. अब तो मैं रह नहीं सकता, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके हाथ में सिगार. तो मैं जब जेल गया 7 साल मैंने कैद हुई, अल्लाह के बाद मैंने सारी कैद किताब लिखी फरजंदे पाकिस्तान, और सिगार दो ही चीजें मेरे साथ थी क्योंकि वो बड़ी लंबी तनाई थी भावलपुर में, सिगार के सर पर काटी. तो आपके सियासत के नेशे व फराज का हिस्सा है ये सिगार? मेरी जिंदगी का हिस्सा है. जिंदगी का हिस्सा. सही. कौन सा सिगार पीते हैं आप ज्यादा पसंद करते हैं? अब तो आपको क्यूबन? सारे क्यूबन ही होते हैं. अब मैं जब मुशरफ के साथ था और हिबा पीता था, उधर से मुफ्त आते थे, 100-100 का बंडल आता था. तो फिर उनकी बेगम साहबा सबा भाभी जो हैं वो चाहती भी नहीं थी वो ज्यादा पिए, तो वो आपको गिफ्ट कर देते थे. मैं जाता ही इस काम के लिए. वो मेरी फिटिंग थी लाइन, जाता था तो चुप करके मेरी गाड़ी में. तो फिर उनको भी बीच में से चोरी से दे देता था एक आधा सिगार मुशरफ साहब को. उन्हीं का सिगार उन्हीं को वापस चोरी से रख जाता था कि ये तो नहीं कहते थे कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ. अच्छा. तो मुशरफ साहब के घर में भी नकब जनी किया आपने? हाँ, सिगार के मसले में. सिगार के मसले सिगार उनके पीने नकब लगाए हैं आपने काफी उनके घर में. मैंने आपसे कहा था, आपने कहा कि आपके हर काम में सियासत होती है. मैंने आपसे कहा था कि एक सवाल पूछूंगी, मतलब वो आपकी ज़िंदगी का जो सवाल मैं पूछने लगी हूँ वो एक इसरार है, एक मुअम्मा है. अब आप ये बताएं कि उसके पीछे सियासत थी कि नहीं, आपने शादी नहीं की? अगर मैं कर लेता तो मोस्टली जितने लोग करप्ट हुए हैं मेरे ख्याल है शादियों की वजह से ही हुए हैं. लोग शादियों की वजह से करप्ट होते हैं? बीवियों का करप्शन में बड़ा रोल होता है. ये बड़ी खतरनाक बात आप कर रहे हैं. मैं सही कह रहा हूँ, ये खवातीन के खिलाफ जा सकती, ये वो रहमान मलिक वाली बात है कि कराची में कत्ल होते हैं गर्लफ्रेंड्स की वजह से. नहीं, मेरा मतलब है, मेरा कोई मसला तो नहीं ना, मैं क्यों टेक्सटाइल लगाऊंगा, क्यों शुगर मिल लगाऊंगा. हालांकि नवाज शरीफ साहब बहुत चाहते थे कि मैं एक टेक्सटाइल लगा लूं, एक बड़ी सस्ते से कर्ज. मैंने कहा किसके लिए भाई? नवाज शरीफ साहब ने आपको मशवरा दिया? दिया. किस वक्त की बात? जब मैं उनके साथ था, वजीर था. अंदाजन किस सन की बात? 88-89. उन्होंने कहा टेक्सटाइल मिल लगा लो. कोई लगाओ. उसने कहा क्या ऐसे ही? आप मैं... कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा. नहीं नहीं, कपड़े क्या पहनने. और नवाज शरीफ साहब को कपड़े अच्छे पहनने का बड़ा शौक है? नहीं, मेरा नॉर्मल ही है, अभी पहनने शुरू किए हैं उन्होंने कुछ, लेकिन ये है कि कोई खास नहीं पहनता, मैं नहीं समझता कपड़े. अच्छा, मैं आपको मामला या रुख मोड़ने नहीं दूंगी, शादी के हवाले से बात बता दी मैंने आपको. इसके पीछे भी सियासत है? सारी जिम्मेदारियाँ मैंने निभाई और सारी जिंदगी और खानदान की जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए एक आधे पॉइंट की कुर्बानी देनी पड़ती थी, वो मैंने खुश असलूबी से दी. बहनों ने कभी इसरार नहीं किया? माँ ही बेचारी रोती रहती थी हर वक्त, तो उसका कोई फायदा नहीं था. कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई आपको? शायद लड़कियों को मैं पसंद आया हूँ, मुझे भी कोई पसंद आई हो, लेकिन ये तो मैं उन लड़कियों से पूछूंगी ना. आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपको कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई? लड़कियां आपको पता होंगी तो तब ना वैसे ही पूछेंगे. ये आपसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे? नहीं नहीं, चले ऑन द रिकॉर्ड पूछ लेते हैं, कितनी लड़कियों को आप पसंद आए? मालूम नहीं, जाहिर है मैं इतना भी पटीचर नहीं था या तप्पड़ नहीं था. हो गया, बीत गया जिंदगी का वो पहलू,
ختم ہو گیا ہے. کوئی خلش نہیں, کوئی خلش نہیں. اللہ کلوز کر دیا آپ نے. اللہ نے جو کچھ عزت دی, جتنا کچھ دیا, اس گلی سے, اس بھابڑا بازار سے, اس لال ویلی سے 7 دفعہ وزیر بننا, یہ گنیز بک کا بھی ریکارڈ توڑا ہے میں نے, کہ کوئی شخص دنیا میں نہیں ہے جس کے والد کا کوئی تعارف نہیں تھا, اس نے اپنا اس لال ویلی کے جھنڈے نیچے میں کتابیں بیچا کرتا تھا, چائلڈ لیبر. اور یہ سب کئی بڑے بڑے سورما میرے خلاف یہ بات کرتے ہیں, اس نلکے سے پانی بھرتا تھا جی, یہاں نیکر پہنے پھرتا تھا, اور کیا میں نے توپ پہن کے پھرنا تھا اس وقت جی. اور اسی اسکول میں پڑھا, یہیں سے ساری سیاست کی یہ. اور میں اپنی ماں سے لڑتا تھا کب میری عمر ہوگی میں نے کونسلر بننا ہے. بلکہ ایک دفعہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے, میں نے اپنے باپ کو کہا, مجھے بڑا باپ کہتا کیا مسئلہ ہے, کہ میں نے کہا کاش جب پاکستان بنا نا میں جوان ہوتا, پھر میں دیکھتا کہ کیسے یہ سارا مسئلہ ہوا. اور میں بڑا زبردست میں نے کہا میں فورس بناتا اور سب پاکستانی قوم کو بچا کے لاتا. تو میرے باپ نے, بڑا ان پڑھ آدمی تھا, سادہ تھا, اس نے کہا میرا پورا یقین ہے اللہ نے بہت اچھا کیا, ورنہ تو کانگریس کے ساتھ ہوتا, مسلم لیگ کے ساتھ. تو جانتے تھے آپ کو, کہتے میرا یقین ہے کہ تو ابوالکلام آزاد کے ساتھ ہونا تھا, تمہیں قائد اعظم کے ساتھ نہیں ہونا تھا. تو یہ بڑی گہری بات ہے, مزید بھی آپ سے بڑی باتیں آپ سے جاننے والی ہیں. میں نے کہا کہ کچھ سیاسی رنگ بھی آپ کے ہم دیکھیں گے, کچھ پرسنل پہلو بھی آپ کے ہم دیکھیں گے. چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے شیخ صاحب, بریک لینا ہے, پھر مزید گپ شپ لگاتے ہیں, ہلکے پھلکے بھی اور سیاسی بھی, سنجیدہ بھی اور چلبلی بھی. عوامی مسلم لیگ کے عوامی سربراہ شیخ رشید احمد صاحب سے. عید کیسی گزرتی آپ کی, آج ہم دکھا رہے ہیں, یہ لیں, یہ آپ کے لیے. اس وقت سب شیخ رشید صاحب کے جتنے بھی دوست وغیرہ ہیں سارے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے ان کو عید بھی ملنا چاہ رہے ہیں. عید تو ویسے گزر گئی ہے, لیکن چونکہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ شیخ صاحب کا عید, ان کی عید کیسے گزرتی ہے, ان کی عید کے معاملات کیا ہوتے ہیں, وہ سب. پرانا ان میں سے آپ کو کون جانتا ہے شیخ صاحب؟ سبھی پرانے ہیں, کوئی نیا نہیں ہے. اور ان پرانوں میں سے سب سے پرانا کس کی دوستی سب سے پرانی ہے آپ کے ساتھ؟ سب وہ ہیں, چوہدری صاحب کے سامنے مائک کریں جی ذرا. چوہدری صاحب اتنے پرانے نہیں ہیں. جناب فیاض صاحب 85 سے جانتے ہیں, اور پلس ویسے بھی ہم اسی محلے سے ہیں. جب سے انہوں نے سگار پینا شروع کیا تب سے آپ جی سب, تب سے سیاست, جب سے سیاست. ظفر صاحب آصف شہزاد مغل جی میرا نام ہے, میں شیخ صاحب کے ساتھ تقریباً 95 سے, 1995 سے. ہاں جی وہ 85 سے ہے نا, ذرا مطلب 10 سال اور بھی پرانے ہیں. جی جی ذرا میں ان سے بھی جان لوں کہ جی وہ کیا کیا دیکھتے رہے ہیں. لیکن آپ بتائیں شیخ صاحب کی شخصیت, نہیں شیخ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ دل کرتا ہے کہ بندہ ان کے پاس بیٹھا رہے. اچھا, اور خاص طور پہ عید کے جو دن جتنے بھی ہوتے ہیں, ہمارا جتنا بھی اپنے علاقے سے نکل کے آتے ہیں تو پھر شیخ صاحب کے ساتھ ہی رہتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھی. شیخ صاحب کی سب سے اچھی بات کیا؟ شیخ صاحب کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو بری ہو, ہر بات ان کی اچھی ہے. میرے اگلے سوال کا جواب پہلے ہی دے دیا میں نے, آپ سے پوچھنا تھا کہ شیخ صاحب کی سب سے بری بات کیا ہے. دیکھیں ان کی سب سے اچھی بات کہ یہ عوامی لیڈر ہیں, اور عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا ملنے کا, مسلم لیگ نام رکھا ہے نا, اور عوامی مسلم لیگ نام رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا میل جول ایسے ہی ہے. میں جنرل سیکرٹری ہوں عوامی مسلم لیگ, تو یہ ہے کہ ان کا ہر بندے کے ساتھ میل جول جو ہے وہ ایسے عام جیسے ملتے ہیں اسی طرح سے ملتے ہیں, ہنس کے. چلیں آپ گھبرائیں نہیں, آپ گھبرائیں نہیں, آپ کی پارٹی سیٹ نہیں جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. شیخ صاحب کی کون سی بات ہے جو مطلب آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب اگر یہ ہوتے اس طرح سے ہوتے تو بہت اچھی ہو جاتا؟ نہیں میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں, اگر ہو تو میں ضرور. آپ کو یہ برا نہیں لگتا کہ انہوں نے شادی نہیں کی؟ دیکھیں یہ بات انہوں نے پہلے کہہ دی ہے, میرے خیال میں اس سے بہتر میں رائے دے سکتا. فیاض صاحب کو ذرا دے مائک. فیاض صاحب آپ بتائیں شیخ صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے؟ فیاض صاحب یہ ہے, اچھا یہ مزہ صاحب ہے, مزہ صاحب آپ بتائیں, آپ 85 سے جانتے ہیں, سگار ان کے ساتھ ہے ہمیشہ, لیکن بیگم صاحبہ ان کے ساتھ ہیں. یہ بس ان کی ذرا پاس کر لیں مائک, یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے نا جی. اچھا آپ لوگوں نے کبھی کہا نہیں کہ شیخ صاحب شادی کریں؟ بس شروع شروع میں کہتے تھے, لیکن ہم بھی ذرا پکوان کھائیں آپ کے گھر آ کے, بھابھی ویسے آ جاتے ہیں, بھابھی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے تو نہیں ہوتے نا, یعنی بہت آ جاتے ہیں. ظفر صاحب کو جی,
मैं तो 83-82 से शेख साहब के साथ हूँ। जब इन्होंने कॉन्सलर का इलेक्शन लड़ा था, हम शेख साहब की बातें सुनने के लिए आया करते थे। बच्चे थे, छोटे छोटे थे हम, तो हम सारे बच्चे इकट्ठे होकर शेख साहब की बातों में ऐसा क्या था जो आप सुनते थे? अब तो खैर पूरी कौम सुनती है। उस वक्त से ये शेख साहब पूरी कौम की बात किया करते थे, उम्मत मुस्लिमा की बात किया करते थे। इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह जवारे रहमत में जगह दे मेरे वालिद साहब को, वो कहते जब शेख साहब कहते ना काला काला रसूलुल्लाह का अलम बुलंद करना है, वो कहते कि इंशाल्लाह मेरा दिल कहता है कि ये शख्स कुछ करेगा। और हमने देखा कि खाना काबा के ऊपर शेख साहब ने नफल पढ़े। मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं इस शख्स का सपोर्टर भी हूँ, वोटर भी हूँ और इनका मैं वर्कर हूँ। मामा भोला साहब, तो क्या चीज आपको शेख साहब की अच्छी लगी? शेख साहब की मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है वो यही है कि वो लोगों के बारे में अच्छे कमेंट्स देते हैं, सच्ची बात करते हैं, जो हकीकत है उसको बताते हैं लोगों को कि ये बात है। अच्छा आप बताएं जी, आप कब से शेख साहब को जानते हैं? जरा ऊपर कर ले माइक। 2008 से जानता हूं। 2008 से जानते हैं। तो कैसे आपने शेख साहब को पाया, कैसे है? बहुत अच्छा पाया है और हक सच की बात करते हैं। हाँ। इस वजह से हम इनके फैन हैं। अच्छा। और इस वजह से हम दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इनको और ज्यादा तरक्की दे। शेख साहब, शादी का चैप्टर तो आपने क्लोज कर दिया, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे भी क्लोज हुए होंगे आपकी जिंदगी के जो मैं आज चाहती हूँ कि जरा आवाम के सामने खुल जाए। इश्क तो आपने बड़े किए होंगे। हल्की फुल्की मसीकी गाई होगी, कोई पक्का राग नहीं गाया ऐसे जिसका के छोटा मोटा तो लगा ही रहता है ना कोई बंदा। अच्छा, तो हल्की फुल्की मौसीकी का वो रिदम क्या था? हेलो हाय फिर बाय, बस ये बस इतना सा। ये तो बड़ी दास्तान उदास है। हाँ उदास ही ये तो, चैप्टर उदास ही रहा तभी इतनी खुशियां मिली। वरना इधर देखो ना, ना हमने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, ना कोई दुकान खोलनी है, ना कोई बीमार है डॉक्टर के पास लेके जाना है। अपनी जान है, खुद कुछ सियासतदान है, अपना सारा वक्त जो है आपने वो सियासत को दे रखा। मुझे सियासत बहुत इश्क आपका सियासत से, मुझे सियासत बहुत अच्छी लगती है। शाम को सोता भी हूँ ना, उठते सार भी सियासत सोच रहा होता हूँ। जब सिगार लगाता हूँ सियासत सोच रहा होता हूँ, जब सोता हूँ तो सियासत सोच रहा होता हूँ। लेकिन कोई नहीं सोचता कि भाई ये हो जाएगा, फना हो जाएगा, दुकान बंद नहीं हुई और ताला ऊपर वाला खुला रह गया और जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपने अवामी मुस्लिम लीग के अवामी शेख रशीद अहमद साहब की जिंदगी के जो अवामी पहलू हैं वो तो जरा देख लिए, कुछ जरा हल्की फुल्की सियासत पे बात हो जाए। शेख साहब हो, सियासत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शेख साहब, शतरंज की बिसात बिछी हुई है, आप ये बताएं कि सियासी बिसात पे क्या होने जा रहा है? 7 जुलाई तक का टाइम है, अब से कुछ दिन बाद तक JIT के 60 दिन मुकम्मल होने वाले हैं। मैंने जो बात पहले दिन 126 दिन सुप्रीम कोर्ट से पहले की थी कि कानून और नून में से जो मैं कहता था कि किसी एक का जनाजा सियासी निकलेगा, अब मैं कहता हूं नून का जनाजा निकलेगा। पिछले साल मैंने एक साल पहले कह दिया था। अब आप श्योर शॉट हैं? मेरा नहीं ख्याल कि श्योर शॉट, तो अल्लाह की जात है, फिर आप सारे एंकर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस मुल्क की सियासत इस 100 दिन में सारी बदल जाएगी और नवंबर अक्टूबर लगा लें। डिपेंड करता है कि नवाज शरीफ कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या अपना एक नेक्स्ट आदमी लाएंगे, स्टेप डाउन करेंगे, क्या इलेक्शन कॉल करेंगे, क्या गवर्नमेंट डिसॉल्व करेंगे, क्या वो पंजाब की हुकूमतों की मौजूदगी में। क्या ये डिपेंड नहीं करता कि JIT के 60 दिनों की रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है? वेरी इंपॉर्टेंट, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना ना। JIT के पीछे वैसे ही पड़े, उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन करनी है। JIT ने सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी है, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। 2 जज दे चुके हैं, 5 जजों का बेंच है, 5 जजों की एक ही राय है कि ये जनाब अली फ्रॉड है, कतर वाला खत, इसकी कोई हैसियत नहीं। अगर वो आ जाता है, जो कि मुझे यकीन है कि वो नहीं आएगा, तो ये सारा टेंट गिर जाएगा, नीचे जमीन बोस हो जाएगा। और हदैबिया पेपर का केस जो है वो भी एक बड़ा अहम केस है। मेरे नुक्ता नजर से जो मैं पहले कहता था मैं कायम हूँ, 2017 अहम साल है, 100-125 दिन आज के बाद बहुत अहम है और कुछ आज नहीं के बाद दे रहे हैं आप 100-125। आज के दिन का मतलब ये है कि आप 100 दिन लगा दें जी, छोड़ें आप 90 दिन लगा दें। नवंबर में सब कुछ, नवंबर से पहले इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होती है, क्या होता है क्या नहीं होता ये फैसला हो जाएगा। 100-125 दिन, 10 दिन का तो मुझे मार्जिन देना आप। चल 10 दिन का मार्जिन, बिल्कुल आपको सियासी तौर पे इतना मतलब मार्जिन होना चाहिए। लेकिन अब JIT के 60 दिन मुकम्मल होने में चंद ही दिन रह गए हैं, 7 जुलाई को उन्होंने भी अपना रिपोर्ट मुकम्मल करके देनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या वो मजीद महफूज कर लिया जाता है या फौरन सुना दिया जाता है? ये मुल्क जिस
क्राइसिस से गुजर रहा है, सारी सारी दुनिया की नजरें जो हैं सुप्रीम कोर्ट पे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं। मेरा ख्याल है 1 or 2 weeks में वो फैसला दे देंगे, महफूज नहीं करेंगे जैसे पहले। मेरा महफूज रहने सारा 126 दिन उन्होंने पहले सुना है, इनको इंक्वायरी के लिए दिया, 13 सवाल दिए, 13 सवालों को अगर एक एक सवाल भी रोज लें तो 13 दिन में फैसला हो जाना चाहिए। चलें ठीक है, आपकी तवक्कात? मेरी तवक्कात ये है कि ये जा रहे हैं, और अगर नहीं गए तो फिर मैं भी यही और ये भी यही है। आप इस्तीफा देंगे? नहीं, इस्तीफा मैं क्यों दूंगा, मुझे मैं तो ये नहीं, मैं तो करप्शन नहीं। आपके क्लेम्स बार 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 नहीं, एक ही बार का है पिछले साल, वो इतना पॉपुलर हो गया इसलिए मैं कहता नहीं, 100 सवा 100 तो मैं एहतियातन कहता हूँ, मुमकिन है वो बाइकआउट ही कर दें इससे, मुमकिन है वो खुद आ बैल मुझे मार का फैसला कर रहे हैं। वो हर सूरत में मरियम नवाज साहबा को बचाना चाहते हैं, उनके बल्ले शहबाज शरीफ भेंट चढ़ जाए, इसहाक डार भेंट चढ़ जाए, कोई भी भेंट चढ़ जाए, लेकिन वो हर सूरत में मरियम साहबा को बचाना चाहते हैं, जो कि 8वां या 6वां नंबर सवाल का उनका भी है, नेल्सन। अगर वजीर आजम साहब और मरियम नवाज साहिबा बच गईं, शरीफ फैमिली पे सख्त रिमार्क्स दे दिए, ये मफरूजों पर एक हाइपोथेसिस पे बात डेवलप हो रही है, क्योंकि पिछला फैसला भी कमोबेश इसी तरह का फैसला आया था। अगर वजीर आजम ठहरें, पिछले फैसले में 2 जजेस ने पप्पू को फेल करार दिया, गॉडफादर करार दिया, लेकिन मेजॉरिटी ने जो 3 जजेस ने ये कहा कि इसकी जरा इन्वेस्टिगेशन कर लें, ठीक, जो आप कह रहे हैं 5 के 5 जजों ने कहा कि ये मफरूजा है कतरी खत। मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ कि वो 3 जजेस ने कहा ना कि लेट्स इन्वेस्टिगेट फर्दर, लेट्स एसर्टन के ऐसा है या ऐसा नहीं है, उसमें अगर एसर्टन हो जाता है कि जी ऐसा नहीं है, नवाज साहब, नवाज शरीफ साहब, वजीर आजम साहब स्कॉट फ्री हो जाते हैं। मैं 126 दिन इस कार्रवाई में 2 मैंने कभी नागे नहीं किए, एक इमरान खान के साथ धरने में 126 दिन रहा, एक सुप्रीम कोर्ट 126 दिन बला नागा गया, मुझे यकीन है कि ये कोई नहीं बता सकता ये पैसा गया कैसे, ये वहां से लंदन कैसे पहुंचा, ये कतरी कैसे टपक पड़ा, ये क्या बेचा और कतरी को दिया और कतरी ने इनको फ्लैट दिए, मुझे ये सारा झूठ का फसाना गर्क होते दिखाई दे रहा है, मुझे कोई शक नहीं है कि ये झूठ का फसाना, और अगर ये झूठ का फसाना किसी तरीके से ठीक कर लेते हैं, मैं नहीं समझता इस मुल्क की तमाम अपोजिशन आपके इस फंक्शन के बाद ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन में इकट्ठी हो जाएगी। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, यस, अगेंस्ट एंटी नवाज अलायंस, 1 एजेंडा, माइनस नवाज, गो नवाज, गो माइनस दे दे इसको, कुछ कह दें। ये पिछले 4-4.5 सालों में हमने बहुत देखा, ये तो चला ही कल है आप -1 फार्मूला, -1 की तो इल्ताफ हुसैन पे बात होती थी, नवाज शरीफ पे तो कभी -1 की बात ही नहीं हुई। माइनस नवाज हमने धरने में भी बहुत सुना था, वो तो इमरान खान कहता था, बिल्कुल ठीक कहता था कि स्टेप डाउन हो, इंक्वायरी कैसे होगी, वो बजिद है कि नहीं होना तो फिर कानून को फैसला करने दे, कानून क्या फैसला था? आपको लग रहा है कि इलेक्शन भी 2017 में होंगे? मैं जो कुछ भी होता देख रहा हूँ 2017 में होता देख रहा, दिसंबर तक आप देख रहे हैं, बिल्कुल 2017 पॉलिटिकल टर्मोइल देख रहे हैं, टर्मोइल देख रहा हूँ 2017, और इस पॉलिटिकल टर्मोइल का नतीजा क्या निकल सकता है? मुस्बत या सारी दुनिया में, ब्राजील में क्या हो गया, कोरिया में क्या हो गया, इंडोनेशिया में क्या, लोगों ने पैसे नहीं, ये सब लोगों से पैसे वसूल किए जाएंगे, पैसे लाएं भाई, हमारे पैसे हैं, लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ, हमारे पैसे हैं, वापस लाएं, लाएंगे क्यों नहीं लाएंगे। लेकिन वजीर आजम साहब जिस तरह चल रहे हैं, गवर्नमेंट जिस तरह चल रही है, मनसूबों का इफ्तिताह कर रही है, नए मनसूबों का ऐलान कर रही है, रही है नंदीपुर भेज दिया है, कायदे आजम सोलर भेज दिया है, दासू बासू मेरी जिंदगी में तो नहीं होना, ये सब टोपी ड्रामा है, वो लैया का पुल को तीसरी दफा खुद ही इफ्तिताह करने गए, तीनों पीछे पर्चियां वो तख्तियां लगी हुई हैं, सो सब टोपी ड्रामा है, ये हवाई फायर हो रहा है, खेल खत्म, पैसा आजम है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, शेख रशीद अहमद साहब के साथ प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट है। शेख साहब, आपका हल्का ये सारा सामने, अगले इलेक्शन की तैयारी कैसी है आपके? अभी तो थोड़ी सी शुरू की है और इंशाल्लाह 8-10 दिन बाद शुरू करेंगे, और बड़े अहम दिन है, बहुत ही अहम टाइम गुजर रहे हैं, सो वील सी, एंड तैयारी शुरू है। 55 और 56, हम पहले भी 56 से हारे भी हैं और 2 दफा जीते भी हैं, किसी जमाने में 55 और 56 एक ही वार्ड था, कुछ हिस्सा 54 के साथ था,
तो वो तो 5-6 दफा मैं जीता जब 55-56 इकट्ठा था, जब अलग अलग हुआ तो हारा भी और जीता भी। इंशाल्लाह ताला दोनों बड़े मार्जिन से जीतूंगा, मुझे अल्लाह से। अभी 55-56 दोनों आप जीतेंगे इंशाल्लाह। हनीफ अब्बासी साहब फिर आपके मुकाबले में खड़े होने की तैयारी कर रहे हैं, उनका हक है। मेट्रो चलाई हुई है, वो कहते हैं इसकी बुनियाद पे वोट लेंगे। ड्रीम भी उन्होंने चलाई हुई है 2 टन। मैंने तो शहबाज शरीफ को कहा यार 2 किलो मुझे दे दे, ये सारे तरक्याती काम मैं ठीक कर दूंगा। 2 टन नहीं चाहिए, 2 किलो चाहिए। फिटरीन आपको शहबाज शरीफ 2 किलो का सवाल है, नवाज शरीफ 1 किलो तुम दे दो, 1 वो दे दो, सारा काम ठीक हो जाएगा। सारे खतरनाक बात कर रहे हैं बाबा, 2 किलो दें तो सही, पर देखें मैं शुक्रिया का ये ड्रग माफिया, वो माफिया आजकल बड़ा इन है सियासत। कोई बात नहीं, 2 किलो माफिया ये काम करते हैं। अगर 2 टन वो ले सकता है तो शेख रशीद को भी 2 किलो मिल जाए तो, ताकि लोग समझें कि ये कोई बुरी बात नहीं है। फिर वो प्राइम मिनिस्टर इधर भी तस्वीर खिंचाए, उधर भी खिंचवाए और कहे कि शेख रशीद अगली असेंबली में नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुभान ताला ने चाहा तो मैं हूँगा, ये लोग नहीं होंगे। गिवन के आप पहले कह चुके हैं कि 2017 दिसंबर में कुछ भी हो सकता है, से पहले पहले उसे पहले पहले मैं नवंबर तक की डेट दे रहा हूँ, दिसंबर मार्जिन के तौर पे रख रहा हूँ। चलिए दिसंबर हम आपको मार्जिन तक दे देते हैं, उससे पहले पहले इलेक्शन अगर 2018 में ही होते हैं तो आप दोनों जीतते। 17 में 18 में नहीं, 2 सीटें और 2 किलो एफेड्रिन काम पूरा, बोली अंदर चूहा जलंधर। अच्छा ये बताएं पिंडी में कौन कौन से तरक्याती काम नहीं हुए, ये लोग जो चल फिर रहे हैं आपसे जब मिलते हैं क्या कहते हैं गवर्नमेंट के बारे में? देखिए हमारा तो कोई ये हॉस्पिटल है 90% बना हुआ है, 26 बिलियन में से 90% लगा हुआ है। ये शेख रशीद एक्सप्रेस वे पे 6 अरब लगा हुआ है। ये माँ और बच्चे का हॉस्पिटल है, ये कह रहे हैं हम 90 हॉस्पिटल बना रहे हैं। जो 90% बना हुआ है उसको नहीं बना रहे, 200 कनाल में है, ये अगले चौक में है, कैमरा लेके जाए इससे अगले चौक में है। 200 कनाल 1 मरबा जमीन पे मैंने लोगों को खाली करा के, सरकारी जमीन खाली कराई है। फिर स्टेशन रोड पे कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, फौज से खाली करवाया, जबरदस्ती खाली करवाया। आप ही करा सकते हैं, मैं करा सकता। देखें ये ढोक खब्बा में जो रोड निकाली है मैंने, बंद खन्ना का, ये अल्लाह मेरे से ही बनवा है, अल्लाह ने मेरे हाथ पे सर पे हाथ रखा। मैं ही कर सकता था तो कॉलेज की जमीन भी मैं ही ले सकता था और इनमें से कोई नहीं ले सकता। ये बंद खन्ना काक सख्त दहशत गर्दी के दौर में मैंने खुलाई है और ये कॉलेज भी इंशाल्लाह ताला जगह ली है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरी जिंदगी में ये मुकम्मल हो जाएंगे। कौन कौन से तरक्याती काम हैं, लोग आपसे क्या कहते हैं कि ये काम हमारे अभी? लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ का डट कर मुकाबला करो, पिंडी की आवाज़ नहीं, अब आप पाकिस्तान की आवाज़ हैं, झुकना नहीं है। हर जगह गुजरता हूँ, अभी मेरे साथ चले 20-30, एक मैंने छोटा सा मोटरसाइकिल का यहाँ 28 तारीख को गया कमेटी चौक तक, 15-20 नौजवान वैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं पिंडी से साथ, नहीं जी इस्लामाबाद छोड़ के आएंगे आप हमारी इज्जत है। पहली दफा मेरी 15-20 चलते हैं आपके साथ, नहीं 15-20 बेचारे वैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा बाकी गाड़ियों वगैरह? नहीं, मोटरसाइकिलों पे यहाँ से निकले वहाँ तक आ गए, वहाँ 2 और मिल गए। पहली दफा मेरी शेख बरादरी मेरे साथ चल रही है। अच्छा 7 इलेक्शन में मेरे साथ नहीं चली। शेख बरादरी बहुत इंपॉर्टेंट है पिंडी की, बहुत इंपॉर्टेंट सियासी तौर पे, बहुत। पहली दफा ये मेरे साथ, मैं कभी मदीना क्लॉथ मार्केट नहीं गया। वो कहते हैं जी सबसे पहले हमारी मार्केट में आना है, मक्का मार्केट, मदीना मार्केट, ये सारे शेख जो हैं पहली दफा, अल्लाह खैर ही करे इंशाल्लाह ताला अल्लाह बहुत अच्छा नतीजा देगा मुझे। मेरा दिल के अंदर रोशनी है कि 55-56 बहुत फासले से हम जीतेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपका प्लान क्या, क्या वादे करेंगे आप पिंडी की आवाम के साथ? लोगों को पता है मैं उनमें से हूँ, मैं वही हूँ जहाँ लोग हैं। मुझ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई कब्जा ग्रुप हूँ या बदमाशी है या मेरे साथ कोई है। लोग जानते हैं व्हाट आई एम, मैं वो नहीं हूँ कि जो दिखाई देता हूँ, मैं वही हूँ जो दिखाई देता हूँ। चले मुझे फिर एक सवाल की इजाजत दें लिबर्टी लेते हुए, क्योंकि आपसे हल्की फुल्की गपशप लग रही है, ये नूर आवान का मामला है क्या, आप क्लियर कर दीजिए। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ मुझे पता ही नहीं ये कौन है। आपको नूर आवान एक दफा पता है, ये अहमियत सारी उसका मीडिया सेल दे रहा है, आप ये सवाल मैं किसी को जवाब भी नहीं दे रहा। तो बाकी अगर मैंने कोई बेईमानी करनी है तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंक का सरबराह था, कोई 22 अरब की करता मैं नवाज शरीफ का, 22 लाख की नहीं, 22 लाख के लिए मुँह काला ना कराता, 22 अरब की करता ताकि करप्शन में भी मेरा नाम सफे अवल में। 2 हल्के 2 किलो एफेड्रीन 22 अरब। अच्छा ये बताएं आपने गाड़ी बनवाई थी, वैसे आपने गाड़ी बनवाई? कोई गाड़ी ना बनवाई ना मंगवाई, सारी 2 गाड़ियां मेरे पास हैं, किसी सियासतदान ने 2 गाड़ियां डिक्लेयर नहीं की हुई। अच्छा कौन कौन सी गाड़ियां अभी आपके पास? दोनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां मेरे पास, मैं एक डिक्लेयर है। ठीक, वो गाड़ी आपने कभी यूज नहीं किया? ट्रक टाइप का गाड़ी ना, क्लाइंट हूं।
क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया क्योंकि बहुत सी मिसकंसेप्शन है और लोग आपके जवाब का इंतजार, कोई मिसकंसेप्शन, लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे थे, सब लोगों को पता है, कोई मिसकंसेप्शन नहीं, पीपल नोज, प्रोपेगेंडा है आपके खिलाफ, बट कुछ भी नहीं मेरे खिलाफ, ऐसा ही निकल सकता है, और भी निकला ये 2-2.5 लाख का कि मैंने एक ट्रैवल एजेंट के देने हैं जी, तो और निकल आएगा 2-4-5 लाख का कि मैंने किसी जनाब अली और ट्रैवल एजेंट के देने हैं, लेकिन मेरा शहर समझता है मैं कहाँ खड़ा हूँ और ये लोग कहाँ खड़े हैं, इंशाअल्लाह ताला शहर को आप पे एतबार है और एतमाद है, मैंने उनके एतमाद को ठेस तो नहीं पहुँचाई, जो मुखालिफ भी है मेरा सियासी तौर पे वो मेरा है, इस शहर की चार दीवारी में रहने वाला और 54 के हल्के में भी कहता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान वहाँ से लड़ें और ऐसे ही होगा, वो लड़ेगा वहाँ से। चलें, ये सारी बातें आपसे इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में भी करेंगे, आज के प्रोग्राम के लिए वक्त देने का बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू सो मच।